अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज से हम इंग्लिश के लेक्चर शुरू करने लगे हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज डिस्कस करेंगे और फिर कम्प्रीहेंशन, और एट द एंड हम ऐसे देखेंगे जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे। सारी शॉर्ट स्टोरीज को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। जो भी, अगर आप जिधर से भी शॉर्ट स्टोरी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई मस्ट सजेस्ट आप कुछ बातों का ज़रूर ख्याल करें। आप राइटर की ब्रीफ बायोग्राफी ज़रूर देखें, करेक्टर्स कौन कौन से हैं ये ज़रूर देखें, थीम्स, समरी, ये चार चीज़ें आपने हर सूरत करनी है। और अगर आपके जहन में ये चीज़ है कि पास्ट पेपर से क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं। अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखो, तो मैं जब मूवी फिंगर के क्वेश्चन उठा के लिख रही थी ना, तब मैंने ये चीज़ देखी कि हर साल डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए आप जब ये तीन चार चीजें अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, तो आप फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। तो वर्ड लिमिट होती है, वर्ड लिमिट के अंदर रहते रहते आपने अपनी जो है जितनी चीजें हैं उनको लिखना है। तो अगर कोई वॉइस वगैरह आ जाते हैं, पीछे से कोई आवाज आ जाती है, तो उसके लिए पहले से माजरत, क्योंकि पहले मैं ऐसा होता था कि रात को वीडियो बनाती थी, अभी दिन के टाइम है तो कोई मतलब शोर शराबा है ये आसपास, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आवाज़ कोई ना ही आए। अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी जो है वो सबसे पहले है द मूविंग फिंगर बाय एडिथ वॉर्टन। इसके अंदर आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, एडिथ वॉर्टन की बायोग्राफी देखेंगे, करेक्टर्स कौन कौन से इस स्टोरी के अंदर डिस्कस हुए हैं उसकी समरी देखेंगे, थीम्स देखेंगे, ठीक है। और फिर एट द एंड हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने इकट्ठे किए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। हर एक बात इसी वीडियो के अंदर कवर होने वाली है, इसलिए आपने इस वीडियो को गौर से शुरू से लेके एंड तक देखना है। तो और बाकी दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसके लिहाज से मैं टिप दूंगी कि आप किस तरह से पास हो सकते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम बायोग्राफी देख लेते हैं। सबसे पहले एडिथ वॉर्टन, जिन्होंने द मूविंग फिंगर लिखी है, वो न्यूयॉर्क के अंदर पैदा हुई थी 24 जनवरी 1862 के अंदर, ठीक है। वो अमेरिकन नॉवलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और डिजाइनर भी हैं। अब आप अगर उनकी राइटिंग्स को पकड़ो ना और देखो, जितनी भी उन्होंने काम किए है, हर एक के अंदर जो सेंटर, हर स्टोरी जो भी बंदा लिखता है, एक फोकस तो होता है ना, एक पॉइंट ऐसा होता है, सेंटर पॉइंट होता है जिसके ऊपर, जिसके गिर्द स्टोरी रिवॉल्व कर रही होती है। तो उनका जो सेंटर पॉइंट होता है ना, वो औरत है, कि औरत के ऊपर सोसाइटी के अंदर किस तरह से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, कि औरत को इंसान कम और ऑब्जेक्ट ज्यादा समझा जाता है, कि जिसको रूल किया जा सके, जिसको अपनी मर्जी के फैसले सुनाए जा सके। जिस तरह फॉर एग्जांपल एज अ ऑब्जेक्ट आप ट्रीट कर रहे हैं, आपकी पेंसिल है, तो ये आप अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और अपनी मर्जी समझते हैं। आपका दिल करे आप ड्रॉअर में रखो, आपका दिल करे आप पॉकेट में रखो, या फिर आप अपने बैग में रखो। तो इसी तरह औरत को सोसाइटी के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। तो उसकी जितनी भी फ्रीडम है, उससे रिलेटेड जितनी स्ट्रगल है, तो उनकी राइटिंग्स के अंदर ये चीजें दिखेंगी आपको, ठीक है। तो अगर हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं द मूविंग फिंगर, वो भी इन्हीं थीम्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो अगर मैं आपको पहले बताने लग जाऊं कि इसके करेक्टर्स कौन से हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपको ये थोड़ा सा रट्टा लगाने वाली बात हो जाएगी। तो लिहाजा हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हम देखते हैं समरी क्या है स्टोरी की। समरी ही आपने करनी है, पूरी स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। समरी आप पढ़ें, आपको उससे सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। अब ये जो मूविंग फिंगर एक ऐसे बंदे ने सुनाई हुई है, एक ऐसे बंदे से सुनाई गई है, जिसका नाम हमें स्टोरी के अंदर नहीं बताया गया। नरेटर होते हैं जो आपको स्टोरी सुना रहा है, ठीक है। तो अब आप हमें उस बंदे का नहीं पता जो हमें स्टोरी सुना रहा है, इसलिए अननोन नरेटर है। द स्टोरी मूविंग फिंगर इज नरेटेड बाय एन अननोन नरेटर, ठीक है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। उर्दू भी आपने पहले समझ लेना है, जब आपको समझ आ गई बाद में ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिलहाल उर्दू में स्टोरी सुने। ये एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ग्रेंसी, ठीक है। इनकी पहली वाइफ है और इनकी दूसरी वाइफ है। पहले इन्होंने पहली शादी की, अब ना उनकी हमें पता है पहली वाइफ का नाम, ना हमें उनका पता है दूसरी वाइफ का नाम, ठीक है। उसने जब पहली शादी की, तो उसकी जो पहली बीवी थी, बेशक वो अपनी दोनों बीवियों से बहुत प्यार करता था, पहली जो बीवी थी उसका नाम हमने रख दिया फर्स्ट मिसेस ग्रेंसी, और जो सेकेंड बीवी की जब हम बात करेंगे उसको हम कहेंगे सेकेंड मिसेस ग्रेंसी। अब जो फर्स्ट मिसेस ग्रेंसी थी ना, उसके करेक्टर से हम थोड़े से देख लेते हैं। एक ऐसी औरत, आप अपने सामने एक ऐसी औरत का इमेज बनाएं जो चाहती है कि वो अपने शोहर को कंट्रोल करे, उसके साथ एरोगेंटली बिहेव करे,
और वो चाहे कि वो उठे बैठे उसकी मर्जी से और हर डिसीजन जो है वो उसकी मर्जी से करे। तो जो पहली बीवी थी उसकी नेचर थी कुछ इस तरह की, उसने मिसिस ग्रैं मिस्टर ग्रैंसी को पूरा कंट्रोल किया हुआ था। ऑल्दो मिस्टर मिस्टर ग्रैंसी जो है वो तंग भी आ जाते थे अक्सर इस सिचुएशन से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ा। अब होता यूं है कि उनकी पहली बीवी की, फर्स्ट मिसेज ग्रेंसी जिसको हम कह रहे हैं, उनकी हो जाती है डेथ। अब मिस्टर ग्रेंसी करते हैं दूसरी शादी, जो दूसरी शादी जिनसे की वो थी सेकंड मिसेज ग्रेंसी। अब उनके बारे में थोड़ा करेक्टर को देखते हैं। उनको शो किया गया है कि वो एक बहुत ही लविंग सा करेक्टर है, केयरिंग करेक्टर है, बहुत इनोसेंट है। और अगर हम फिजिकली उनकी बात करें तो फिजिकली वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब मिस्टर ग्रेंसी को अपनी जो दूसरी बीवी थी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया, अटैचमेंट हो गया। उसकी रीजन जाहिर है, एक बंदा अच्छा हो, आपको केयर दे रहा हो तो आपकी उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। तो इन दिस केस मिस्टर ग्रेंसी की अटैचमेंट हो जाती है अपनी दूसरी बीवी के साथ। अब वो जो दूसरी बीवी थी वो उनसे काफी छोटी भी थी एज में, ठीक है। अब दोनों के दरमियान काफी प्यार हो जाता है। मिस्टर ग्रेंसी अपनी दूसरी बीवी के बगैर अगर कहीं भी जाता था तो वो मतलब घर से भी बाहर जाता था ना, तो उसको फील होता था कि नहीं नहीं मैंने वापस जाना। वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता था। तो वो ज्यादा टाइम जो अपनी बीवी के साथ गुजारता था वो उसी में खुश रहता था। लेकिन यहाँ पे स्टोरी के अंदर एक जो है वो सैड मोमेंट आ गया। सैड मोमेंट क्या आया कि उनकी जो सेकेंड बीवी थी ना, यानी सेकेंड मिसेस ग्रेंसी की डेथ हो जाती है शादी के 3 साल के बाद। अब उनकी जो डेथ हो जाती है तो मिस्टर ग्रेंसी अब जाहिर है अपने आप को बहुत ही ज्यादा तनहा फील करने लगे। पहला थीम हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि वो कंट्रोल कर रही है उसकी पहली बीवी अपने बंदे को। दूसरा थीम यहाँ पर आप देख रहे हो कि अब मिस्टर ग्रेंसी अपने आप को अकेला फील करना शुरू हो गया, ठीक है। मिस्टर ग्रेंसी ने अब उसके अब यहाँ पे स्टोरी के अंदर आता है एक चौथा करेक्टर जो कि था पेंटर, ठीक है। उसका नाम है क्लेडन, ये रहा क्लेडन, ठीक है, उसका नाम है क्लेडन। अब यहाँ पर दूसरा चौथा करेक्टर आता है क्लेडन। मिस्टर ग्रेंसी अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरी जो बीवी है उसका पोर्ट्रेट बनाओ। पोर्ट्रेट क्या होता है कि आप वो पेंटर होते हैं ना, पेंटिंग से पेंटिंग के थ्रू किसी भी, हम पहले पहले पिक्चर्स बनवाते होते थे, तो वो पेंटर था। उसने अब कहा कि मेरी बीवी की ना पोर्ट्रेट बनाओ। अब वो पेंटर था, उसने अपनी उसकी बीवी की बना दी पोर्ट्रेट, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी, और इस तरह बनाई कि उसको फिर जब हम देखा कि उसकी जो है वो उसको खुद ही उस पोर्ट्रेट से प्यार हो गया, जो पेंटर था उसको भी उस पोर्ट्रेट से प्यार हो गया। अब यहाँ पर ना सुजेशन है, सुजेशन ये है कि क्लियर कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री है स्टोरी के अंदर। अगर हम देखें तो ये सुजेशन है कि शायद उनकी बीवी और उसका जो है वो अफेयर रहा था, सेकंड जो मिसेस करेंसी थी और क्लेडन का, पेंटर का। अब पेंटर ने जो है वो सारा पोर्ट्रेट बना दिया है उसका, और मिस्टर ग्रेंसी अब उसको अपने पास रखता था। अब अपने आप को थोड़ी देर के लिए बिजी रखने के लिए मिस्टर जो ग्रेंसी है वो चले गए यूरोप, ठीक है, अपनी जॉब के सिलसिले में। अब वहां से जब वो वापस आए तो वो ना, अब क्योंकि काफी अरसा वहां पर रह के जब वापस आए तो दोबारा से जब वो आते थे वो पोर्ट्रेट के पास खड़े होते थे। एक बंदा जो काफी देर रहा है और उसकी एज डल रही है, तो जाहिर है जो पोर्ट्रेट है, तस्वीर है, वो तो वैसी ही रहेगी ना। अब वहां पर जब वो आके खड़ा होता था तो वो अपने और पोर्ट्रेट के दरमियान जो है वो एज डिफरेंस देखता था। तो उसने क्लेडन से कहा कि तुम ऐसा करो, ये जो पोर्ट्रेट है इसके अंदर चेंजिंग्स करो, इसको चेंजिंग्स करो और इसको थोड़ा सा मतलब बूढ़ा बूढ़ा जिस तरह से होता है ना, जिस तरह मेरी एज डल रही है, इस पोर्ट्रेट को भी उसी तरह मेरी एज के मुताबिक कर दो, ताकि मुझे एज डिफरेंस फील ना हो और मुझे ऐसा लगे जैसे मेरी बीवी मेरे साथ बूढ़ी हो रही है। अब क्लेडन दूसरी तरफ से, जिसने इतनी मेहनत की थी पोर्ट्रेट पर, और कहा जाता है कि मतलब जाहिर है वो उसकी बॉडीज की तरफ से ज्यादा अट्रैक्ट था, उसकी सोल की तरफ नहीं, उसने कहा कि नहीं, उसने समझाने की कोशिश की कि आप ना करें, लेकिन क्योंकि मिस्टर ग्रेंसी चाहते थे कि आप अमेंडमेंट करो तो उन्हें करना पड़ी। अनविलिंगली क्लेडन ने जो है चेंजिंग्स कर दी। अब होता यह है कि चेंजिंग करती है। अब यहाँ से आप देखो ट्विस्ट पैदा हो रहा है कि क्लेडन क्यों इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया सेकंड मिसेज ग्रेंसी के साथ। अब यहाँ पर थीम आता है कि पहले तो वो एक अच्छा दोस्त था मिस्टर ग्रेंसी का, जब तक वो उसने उसकी दूसरी वाइफ को नहीं देखा था, ठीक है, और जैसे ही उससे मिला है उसके बाद उसने अपने दोस्त को धोखा दिया है, ठीक है। और अब होता यह है कि उसने अनविलिंगली ना चाहते हुए उस पोर्ट्रेट के अंदर चेंजिंग्स कर दी हैं। चेंजिंग्स जब की हैं तो उसके बाद मिस्टर कुछ देर के बाद जो है वो मिस्टर ग्रेंसी की भी हो जाती है डेथ।
अब जब उनकी डेथ होती है तो क्लेडन जाता है, वो पोर्ट्रेट पकड़ता है अपनी मर्जी से, उसका जो जो पहले उसने पेंट किया था ना, जिस जिस तरह से जो फिजिकल अपेयरेंस पहले थी, झुर्रियां वगैरह बिल्कुल नहीं थी, तो उसने बिल्कुल सेम पहले के जैसा पोर्ट्रेट को कन्वर्ट किया और अपनी गैलरी के अंदर लगा लिया। इस तरह से वो उस पोर्ट्रेट का ऑनर बन गया। ठीक है, अब देखो इस स्टोरी के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स हैं, ये तो ये थी स्टोरी। अब आपको स्टोरी समझ आ गई है, इसको आपने बाद में इंग्लिश में कर लेना रीड आउट, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाने से आपके बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, वो आप भी तप जाओगे। ठीक है, पहला करेक्टर कौन कौन सा है, सबसे पहले हमने देखा मिसेस ग्रैंसी, फर्स्ट मिसेस ग्रैंसी, उसका भी हमें पता चल गया कि वो एरोगेंट सी थी, कंट्रोलिंग वुमेन थी। ठीक है, मिस्टर ग्रेंसी का भी हमें पता चल गया कि वो कैसा है, उन्होंने 2 बार शादियां की, वो पहली बीवी के साथ कैसा था, वो दूसरी बीवी के साथ कैसा था, दूसरी बीवी की डेथ के बाद उसने किस तरह बिहेव किया, आपको सारी स्टोरी पता चल गई। आप इसके अंदर जब इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको सुकून से लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास आ गया सेकेंड मिसेस ग्रेंसी, ब्यूटीफुल थी, इनोसेंट थी, या जो भी उसके करेक्टर से रिलेटेड मिस्ट्री थी आप उसको लिख सकते हो। क्लेडन कौन था, पेंटर था। अब आपने इसको भी डिस्कस किया, ये फायदा होता है पहली समरी पढ़ने का कि करेक्टर्स को आप फिर आसानी के साथ उसके अंदर, अब आप जो भी नाम मैं ले रही हूँ उसके अंदर आपको पूरी स्टोरी आपके जहन में आ रही होगी ना, अच्छा ये तो वो करेक्टर था, इसने तो ये किया था। ठीक है, और फिर वो आप अपनी वर्डिंग के अंदर लिख सकते हो। अभी आपकी कौन कौन सी चीजें हो गई, अभी हमने बायोग्राफी देख लिया, ठीक है, हमने देख ली समरी देख ली, और हमने करेक्टर्स देख ली। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम देखेंगे थीम्स। अब देखो इस पूरी स्टोरी के अंदर कुछ थीम्स ऐसे हैं जो आपको क्लियर नजर आ रहे हैं और कुछ थीम ऐसे हैं जो आपके हिडन हैं। ठीक है, हर स्टोरी के अंदर देखो, अब ये स्टोरी है तो एक तो क्लियर थीम है मौत, डेथ बरहक है ना, पहले आई फर्स्ट मिसेस ग्रैंसी को, फिर सेकंड मिसेस ग्रैंसी को, फिर मिस्टर ग्रैंसी को डेथ। ठीक है, तो डेथ एक जो है वो आपको क्लियर है। दूसरी साइड पे कुछ ऐसे थीम्स हैं जो क्लियर नहीं है, जो हमें खुद डिपेक्ट करने हैं, हमें खुद समझने हैं। जैसे औरत को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है, अपनी मर्जी से उसको ट्रीट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उसको जब चाहे उसको जिधर जिसका दिल चाह रहा है वो उसके अंदर चेंजिंग कर रहा है, जिसका दिल चाह रहा है वो अपनी गैलरी में जाके उसको रख रहा है। फिर सीक्रेट रिलेशनशिप्स, ये क्यों इतने ऑब्सेस्ड हैं ये एक दूसरे, ये क्लेटन क्यों इतना ऑब्सेस्ड हो गया था उसकी दूसरी बीवी के साथ, ये हमें कोई क्लियरनेस इसमें नहीं बताई गई। फिर उसके बाद आगे मिस्टर क्लेडन हो गया कि वो क्यों इतने लोनली फील कर रहे थे, सारी चीजें ये जो थी ये हिडन थे, हिडन। तो थीम्स जो है, आप जब अपनी थीम्स के बारे में लिखने लगोगे, सबसे पहले आपने ये बात जरूर क्लियर करनी है कि 2 तरह के थीम्स हैं, एक तो है क्लियर डायरेक्टली राइटर ने बताए हैं, और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट है। क्लियर जो है वो डेथ है, इन जो जो थोड़े से इनडायरेक्ट है वो है आपको वोमेन को एज अ ऑब्जेक्ट देखना, सीक्रेट रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये आपके हिडन थीम्स हैं। अब जो आपके थीम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमने डिस्कस कर ली डेथ, जैसे सबसे पहले जो है वो ये तो अटल है, एक टूल है। ठीक है, सबसे पहले मिस्टर मिसेस ग्रेंसी को आई, फिर दूसरे मिसेस ग्रेंसी को आई, और फिर मिस्टर ग्रेंसी को, वोमेन को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है, उसके अंदर पेंटिंग को, इवन वो उनकी डेथ भी हो गई है तो उसके ऊपर कंट्रोल रखा जा रहा है कि उसको अपनी मर्जी से उसके अंदर अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। तो वोमेन को एज अ ऑब्जेक्ट, ये सेकंड थीम हो गया। थर्ड हो गया इंट्रैपमेंट, यानी उसकी वाइफ, देखो पहले उसकी वाइफ उसे कंट्रोल करती थी जिस तरह चाहे, और जब वो बाद में हम देखें तो वो बाद में उसको ट्रैप किया जा रहा है, सेकंड मिसेस ग्रेंसी का जो पोर्ट्रेट है उसको अपनी मर्जी के साथ कंट्रोल किया जा रहा है, उसके अंदर अमेंडमेंट अपनी मर्जी के साथ की जा रही है, उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक थीम आपका आ जाता है आइसोलेशन। देखो पहली शादी के बाद जो है जाहिर है अलोन था और खुश नहीं था, उन्होंने अपनी दूसरी शादी की है, दूसरी शादी के बाद जब वो उनकी सेकंड वाइफ की डेथ हुई है वो अपने आप को अकेला, बिल्कुल अकेला महसूस करता था, और फिर इस सिचुएशन के अंदर उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे अकेला फील ना हो, इसलिए मेरी बीवी का जो है वो एक पेंटिंग बनाओ ताकि मैं उसको अपने साथ जो है वो देखूं। और फिर जब उसने देखा कि मैं मजीद बूढ़ा हो रहा हूँ लेकिन ये पेंटिंग बूढ़ी नहीं हो रही, तो उसने कहा कि इसको भी फीचर चेंज करके इस तरह शो करो कि इसकी एज बड़ी लगे, ताकि मैं और ये हम दोनों एक साथ जो है वो बूढ़े होते नजर आए। ये चीज शो करती है कि वो अपने आप को कितना जो है वो तनहा महसूस करते थे।
ठीक है। अब उसके बाद आपके पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको जरा डिस्कस कर लूँ। ये जो है वो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसके अंदर इसका जो है वो सुकून से आंसर पढ़ सकते हो। देखो, सबसे पहले पास पेपर मैंने खोला, उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप लिखें राइट अ नोट ऑन मिस्टीरियस एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस ग्रेंसी इन द शॉर्ट स्टोरी द मूविंग फिंगर। इसका भी आंसर नीचे है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाने हैं, आप इनको देख लें, ठीक है। आंसर भी मैंने नीचे लिख दिया हुआ है, आप इसको सुकून से जाके तसल्ली से रीड कर लें। और ये तो पास्ट पेपर के क्वेश्चन थे ना, दूसरे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं नीचे। ये यहाँ पे मैंने लिखे हैं दूसरे क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन करेक्टर ऑफ मिस्टर राल्फ ग्रेंसी इन द स्टोरी। मिस्टर ग्रेंसी का जो लव स्पिरिचुअल भी था फिजिकल भी था, आप इसको एलेबोरेट करें। क्लेडन के करेक्टर को एलेबोरेट करें, और उसके बाद आप थीम्स के बारे में लिखो, ठीक है। आप ना एक और टिप मैं आपको देती हूँ, गूगल के अंदर भी लिया के आप लिखो कि हमें ना इसके क्वेश्चन आंसर्स बताएं, फिर उसकी क्वेश्चन आंसर्स को बस रीड आउट कर लें, क्योंकि कोई पता नहीं है आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है। आपको बस अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, आपको बस पता होना चाहिए थीम्स क्या है, समरी क्या है, करेक्टर्स कौन से हैं, उसकी बेस के ऊपर जब आप उसके करेक्टर को समझ लोगे ना, तो फिर आप हर तरह के क्वेश्चन को आसानी के साथ इंशाल्लाह जो है वो देख सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और जो पासवर्ड होगा इसका 1, 2 और 3, ये इसका पासवर्ड है, ठीक है। आप इसको लगाओगे, नोट्स आपके सामने खुल के आ जाएंगे, आप इसको तसल्ली के साथ रीड आउट कर लो। फिर भी कोई मसला हो आप मुझे बता सकते हो, या फिर आप समझ रहे हो कि इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर ये चीज एक्स्ट्रा भी आपको करवानी चाहिए, तो फिर वो आप मुझे बता दें, उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के अंदर जो है वो जरूर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।